नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी यूजर कोई भी यूजफुल वर्क नहीं कर सकता. ओके, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एज अ कम्युनिकेटर, एज अ इंटरमीडिएटर, और यू कैन से एज अ इंटरफेस वर्क करता है कंप्यूटर और कंप्यूटर के यूजर और हार्डवेयर के बीच में. ओके, इट एक्ट लाइक अ इंटरफेस. कह रहा है ये ऐसा प्रोग्राम होता है कि जब आप कोई भी अपना सिस्टम ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. क्यों पहले लोड होता है? क्योंकि यही क्या है, सबसे मेन है, तो ये सबसे पहले लोड होगा तभी तो ये सारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या यूजर्स को क्या कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, अदरवाइज कंट्रोल नहीं कर पाएगा. ओके, मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज विद इन द कंप्यूटर सिस्टम. द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द प्रोसेसर सेट प्रायोरिटीज फॉर हैंडलिंग डिफरेंट टास्क एंड सो ऑन. कह रहा है ये सारे वर्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. कौन कौन से वर्क करता है? जितने भी सिस्टम के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हैं उन सबको क्या करता है? उनकी प्रोसेसिंग को मैनेज करता है. जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ रही है यानी प्रोसेसर को जा रही है उसको, और जब प्रोसेसर से किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी यूजर को जा रही है उसको भी हैंडल करता है. और जितने भी प्रोसेसेस होती हैं कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर उन सबको सेट करता है, उनकी प्रायोरिटी डिफाइन करता है कि कौन सी प्रोसेस पहले होगी, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है, कौन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस तरह से प्रायोरिटी डिफाइन करके उसको एग्जीक्यूट करने का वर्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ओके, तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो पॉपुलर हैं. तो ये कौन कौन से हैं? आपका विंडोज सबसे ज्यादा यूज होता है. विंडोज, डॉस, लिनक्स, सिनेक्स, ये सारे वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी अ सिंगल यूजर और मल्टी यूजर. सिंगल यूजर और मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, मगर अब यहाँ पे समझ लीजिए. सिंगल यूजर का मतलब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक यूजर को हैंडल कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर. और मल्टी यूजर का मतलब हो सकता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ एक से अधिक यूजर्स को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है. हैंडल करने का मतलब क्या है कि उसके लिए वो जो सर्विसेज हैं कंप्यूटर की वो उसको क्या कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है. ठीक है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 वगैरह होती है, 95 से पहले जितने भी थे वो सारे सिंगल यूजर हुआ करते थे. और जो अब उसके बाद जितने भी आए हैं वो क्या है, मल्टी यूजर है. लिनक्स ये सारे क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, तो अब बात कर लेते हैं व्हाई वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमें जैसा कि हमने आपको अभी बताया और आपने यहाँ पे इमेज में देखा कि ये क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है और ये क्या है, यूजर है. ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी कोई यूजर है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाना पड़ेगा. और जैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास ये जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर हेल्प किसके पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराएगा. ओके, तो वही कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन रन. कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, इन सबको फैसिलिटी या कह सकते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी इसको जो भी वर्क करना होगा वो सारे वर्क कर पाएगा, मगर किसकी हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंटरफेस वर्क कर रहा है यहाँ पे यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, तभी वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. इट ऑल्सो अलाउज द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा. यानी कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से, रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है जिसकी वजह से जो भी कंप्यूटर है वो अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या कर पाता है, मैनेज कर पाता है. ठीक है, मैनेज करने का मतलब कि क्या वो सही से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको कब स्टॉप करना है, उसकी वर्किंग कब उसको ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये सारा काम मैनेज करता है ऑपरेटिंग
सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसको चूज करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि किस टाइप का यूजर हमें चाहिए, हम किस टाइप के यूजर हैं, हमारे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, और हमारा जो सीपीयू है, जो हमारा हार्डवेयर है, जो किस टाइप के वर्क करने में कैपेबल है, जिस टाइप का हार्डवेयर होगा, जैसे हमें वर्क करने होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चूज करना चाहिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वेरियस सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड एलोकेट देम टू द यूजर्स और प्रोग्राम एज पर देयर रिक्वायरमेंट। कह रहा है भाई कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और जो भी उसके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, एलोकेट करता है। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको किसी प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए आप पेंट ओपन कर रखे हो और आप अपना एडिटिंग का वर्क कर चुके हो और आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट आउट के लिए कमांड दोगे तो ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस प्रिंटर को एक सिग्नल सेंड करेगा कि आप रेडी हो जाओ, रेडी स्टेट में हो कि नहीं, आप खाली हो, कर पाओगे कि नहीं। यदि वो उसके पास कोई ऑलरेडी मान लो कोई वर्क है, वो प्रिंट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, वेट करने के लिए भेजेगा किसको, इस जो एप्लीकेशन आपका पेंट है उसको ये करेगा कि हाँ यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर जब ये प्रिंटर फ्री होगा तो फिर से इसको ये करेगा ओके अब ये आप प्रिंटिंग के लिए इसको सेंड कर सकते हो, और ये प्रिंट करने के लिए सेंड कर देगा कमांड, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को लेकर प्रिंटर को सेंड कर देगा कि ये टॉपिक है, ये डेटा है, इसको आपको प्रिंट करना है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चार टाइप के बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, और प्रोसेस मैनेजमेंट से क्या मतलब होता है, यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है सीपीयू को मैनेज करना, क्योंकि प्रोसेसेस जो भी होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, सीपीयू के अंदर होती हैं। अब यहाँ पे सीपीयू मैनेज करने से क्या मतलब है, सीपीयू को मैनेज करने से मतलब है कि जो सीपीयू का जो टाइम है, ओके, जो सीपीयू का टाइम मतलब कितने समय के लिए कोई भी जो एप्लीकेशन है या कोई भी जो प्रोसेस है कितने समय के लिए सीपीयू को यूज करेगी, उस टाइम को एलोकेट करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस एलोकेट करने का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड की एलोकेट कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, कितने समय के लिए करना है, इसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू टाइम टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। ओके, शेड्यूलिंग क्या होती है, समझ में आ गया, यानी जो सीपीयू का जो टाइम होता है कितने समय के लिए कोई प्रोसेस सीपीयू का यूज कर सकती है, उस टाइम को एलोकेट करना ही कहलाता है शेड्यूलिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग या सीपीयू शेड्यूलिंग। और आपके कोर्स में अभी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है, ये दो टाइप की शेड्यूलिंग आपके क्लास 11th में दिया हुआ है। यदि आप इसके बारे में चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसका क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट के फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क परफॉर्म करता है, जैसा कि हमको आपको मालूम है कि जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं या जो भी मेमोरी वगैरह होती हैं, इसकी एक जो स्पीड होती है, वर्किंग कैपेसिटी की जो स्पीड होती है, वो एज कम्पेयर टू आपका जो सीपीयू होता है बहुत ही कम होता है। यानी इनपुट आउटपुट जितनी स्पीड से काम कर सकता है उससे कहीं फास्ट आपका सीपीयू क्या करता है, वर्क करता है। तो क्या होगा कि एक सेकेंड के अंदर मान लो जो कीबोर्ड है आपका, वो एक सेकेंड के अंदर 4-5 सिग्नल क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, मगर आपको मालूम है सीपीयू क्या कर सकता है, एक सेकेंड के अंदर लाखों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वहां पे एक स्पीड का मिसमैच हो जाएगा, उसको मैनेज करने का भी वर्क करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द सीपीयू टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लॉयज टू टेक्निक्स, दीज आर बफरिंग एंड स्पूलिंग। तो ये दो टाइप की जो टेक्निक हैं, बफरिंग और स्पूलिंग, ये क्या होती हैं, इसके बारे में मोर डिटेल आपको यदि चाहिए तो वो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा वीडियो, और आपको वो समझ में आ जाएगा। तीसरा जो वर्क होता है वो क्या करता है, एज ए फाइल मैनेजर काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में एज ए फाइल मैनेजर क्या वर्क करता है, कि जो भी सिस्टम में आप फाइल या जो भी आप डेटा अपना सेव करते हो, उन सबका एक ये क्या बना के रखता है, कंप्यूटर अपना एक स्ट्रक्चर बना के रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट।
any data on a computer is stored in the form of files, and the operating system keep information about all them using FAT. FAT full form क्या होता है? File allocation table, यानी एक table बना के computer जो operating system होता है वो एक table बना के रख लेता है कि ये file इस location पे है, इस hard disk में यहाँ पे save है, इसका memory address ये है, यहाँ से लेके ये इतने तक है, इस तरह से करके वो पूरा detail बना के रखता है ताकि आपको जब भी requirement हो आप उसको access कर सको. Fourth, memory management. CPU क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है. बिल्कुल, ये क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं या जो भी प्रोसेस होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सबको क्या करना होता है, अपना डेटा स्टोर करना होता है या रिट्रीव करना होता है. तो इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? सीपीयू, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. और इन दोनों काम को करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दो टाइप्स के मैकेनिज्म का यूज करता है, partitioning and virtual memory. The common memory management technique used by the operating system are partitioning and virtual memory. Partitioning मतलब उसको तोड़ तोड़ के रखता है, और virtual memory, ये सारे concept आपको video के description box में मिल जाएंगे. Don't worry, आप वहां से जाके उनको देख सकते हो. Now moving on the next type of operating system. So दोस्तों बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो यहाँ पे हैं. जैसे सिंगल यूजर, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिंगल यूजर नाम से मालूम है, सिंगल यूजर यानी यहाँ पे जो यूजर होता है, यानी जो यहाँ पे सिर्फ एक यूजर होता है और वही उसी को ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, एलोकेट होता है. एक ही सिस्टम पे, एक सिस्टम पे सिर्फ एक ही यूजर वर्क कर सकता है, एक से अधिक यूजर वर्क नहीं कर सकता. ये इसको कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 95 से पहले के जितने भी विंडोज के वर्जन है सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे. नेक्स्ट नंबर टू पे आपका क्या आता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे यूजर 1, 2, 3, 4, 5 यूजर है. यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल सीपीयू है, यानी जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है वो सिर्फ एक है, और यहाँ पे एक अलग अलग टर्मिनल है, और सारे टर्मिनल पे अलग अलग यूजर बैठे हुए हैं. यानी यहाँ पे एक टाइम पे एक से अधिक यूजर वर्क कर सकते हैं, और उन सबको मैनेज कर रहा है कौन, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. द थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी प्रोसेसिंग को हम लोग मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं. यानी अभी तक जो ये मल्टी यूजर या सिंगल यूजर होता था, इसमें क्या होते थे, प्रोसेसर सिर्फ एक होता था, यानी जो सीपीयू होता है वो सिर्फ एक होता था. यहाँ पे क्या होते हैं, एक सीपीयू होता है, उसके अंदर प्रोसेसर बहुत सारे होते हैं, और वो एक से अधिक प्रोसेसर को एक ही साथ क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेसर एक टाइम पे एक को कर सकता है, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को. तो इस तरह से क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग का भी वर्क होता है. पैरेलल प्रोसेसिंग से क्या होता है कि जो आपका प्रोसेस का जो टाइम होता है एग्जीक्यूशन, वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. यानी आपका जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. आप बहुत फास्टली कोई भी वर्क कर सकते हो. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ती है जहां पे हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है और बहुत फास्ट करना पड़ता है. फोर्थ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सीपीयू का टाइम है, टाइम शेयरिंग मतलब यहाँ पे जो सीपीयू का टाइम है, यानी कितने समय के लिए कोई भी जो सीपीयू है किसी पर्टिकुलर यूजर या फिर आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट होगा, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए सबके लिए सेव होता है. यानी यहाँ पे कुछ फिक्स टाइम होता है. ये जो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का यूज करता है. और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 यूजर हैं, तो यहाँ पे 1 सेकंड ये यूज करेगा यूजर 5 को देगा, अगला 1 सेकंड यूजर 6 को देगा, फिर अगला 1 सेकंड यूजर 1 को देगा. इस तरह से करके सारे यूजर के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होगा कि इतने इतने सेकंड के लिए ये यूजर यूज कर पाएंगे. मगर आपको ये मालूम नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि एक सिंगल सीपीयू हमें ही सिर्फ अलॉट है, मगर वो क्या होगा, वो सारे यूजर्स को क्या कर रहा होगा, अवेलेबल होगा. नेक्स्ट फिफ्थ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो प्रोसेस करने का जो टाइम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है. फिक्स होता है मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं एटीएम मशीन पे गए, ठीक है, वहां पे आप पैसे निकाल रहे हो, पैसा निकालने के लिए टाइम फिक्स नहीं होगा. तो क्या होगा कि जैसे आपने निकाला, यदि कोई इरर आ गई
आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट कब तक आप वेट करोगे, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर यदि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वो डन, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, सिक्स टाइप, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, जो सीपीयू है या इसके जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो क्या होती है, एक नेटवर्क पे क्या होती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है, और सारे सीपीयू क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर नेटवर्क से जुड़े होते हैं और सारे मिल के क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, वो जो मोबाइल पे वर्क करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो फेमस हैं उनके नाम हमने लिख रखे हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया और विंडोज हो गई। तो ये था पूरा आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप आपको पसंद आया होगा और सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, सपोर्ट मी गाइज, थैंक यू सो मच।